जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे माता की जय भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की सब लोग सावधान मुद्रा में बैठ जाएं। सब लोग स्थान ग्रहण कर लें। परम पूज्य स्वामी जी रामवरण आश्रम के इस पवित्र धाम के सभी वेद विद्यार्थी श्रद्धालु भक्तजन आप सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज के अवसर पर बहुत बातें न कहकर के एक दो बिंदु कानूनी बताऊंगा जिसको जानना हर नागरिक के लिए आवश्यक है। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन हम स्वतंत्र हुए हैं और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस होता है। तो आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो अपना झंडा ऊपर ले जाते हैं, झंडा रोहण करते हैं, इसलिए धीरे धीरे खींचते हुए झंडे को हम ऊपर ले जाते हैं। और हमारा यह राष्ट्रीय स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है। हमारे शहीदों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत संघर्ष के बाद इस झंडे को पाया है और अपने राष्ट्र को आजाद कराया है अंग्रेजों की गुलामी से। 26 जनवरी के दिन कोई भी देश जब आजाद होता है तो जैसे घर में कोई कानून नियम बन जाता है कि ये रसोईया होंगे, ये पुजारी होंगे, उसी तरह से पूरे राष्ट्र के लिए कानून बन जाता है कि कैसे यह देश चलेगा, कैसे रेल होगी, कैसे फौज होगी, कैसे पुलिस होगी और तत्संबंधित कानून बनाए जाते हैं। जो कानून की वह पहली किताब है उस किताब का नाम है भारत का संविधान, वह मूल किताब है। जो भी कानून उसके बाद संसद, भारत की संसद अथवा प्रदेश की विधानसभाएं बनाएंगी वह उस संविधान के विपरीत नहीं होगा, अपितु संविधान में वर्णित बातों के अनुकूल होगा। यह हमारा संविधान बना। 2-2.5 वर्ष लग गए संविधान बनने में। पूरी दुनिया के तमाम संविधान को पढ़ा गया, आज तक सबको अध्ययन करने के पश्चात जो संविधान सभा थी उन्होंने जो निर्णय लिया और संसद के द्वारा जो
स्वीकृति दी गई वह कानून बना भारत का संविधान। और जिस दिन से वो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 उस दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। गणतंत्र गण बने लोग, हम भारत के लोग। गण का तंत्र, गण की मशीन, गण का कानून जिस दिन से लागू हो गया वह गणतंत्र दिवस हो गया। गणतंत्र दिवस पर हम झंडा फहराते हैं, बंधे हुए झंडे में फूल रहता है, उस फूल को झंडे को खोल करके हम झंडा फहराते हैं। आज झंडे का आरोहण करते हैं, झंडे को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और बहुत संघर्ष के बाद यह आजादी मिली है। ऐसे परम पूज्य स्वामी जैसे संत जिन्होंने इस राष्ट्र में अलग जगह रखी है, भारत माँ के सपूत, राष्ट्र भक्ति होनी चाहिए, भारत माँ के प्रति आदर होना चाहिए। पूरी दुनिया में भारत ही अकेला देश है जो अपने देश को माँ कहता है और माँ की तरह सम्मान दिए जाने का भाव है, इसलिए भारत माता कहा जाता है। प्रत्येक माँ के इस शिशु को उस माँ के प्रति जो भक्ति होती है उसे राष्ट्र भक्ति कहा जाता है। आज के दिन हम यह संकल्प लेंगे कि हम भारत माता के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे, पूरी तरह से निष्ठावान रहेंगे और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत रहेंगे। हमारे स्वामी जी के संदेशों में प्रायः राष्ट्रभक्ति की बात हमारे वैष्णव धर्म के माध्यम से, हमारा वैष्णव धर्म क्या है, हमारा राष्ट्रभक्ति ही तो है। राष्ट्र को मजबूत करने का एक साधन यंत्र है, नारायण की कृपा से प्राप्त होता है राष्ट्रभक्ति। आप सब में जागृत हो, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती है। इसलिए आप सब अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए सोचें, तभी सबका कल्याण है। आज आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन से, अखबार से देख रहे हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कितने कितने अवरोध हैं। किंतु हमारे यशस्वी कर्मठ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह राष्ट्र पूरी तरह से सुरक्षित है। और सुरक्षित तभी तक है जब तक कि हम आप राष्ट्रभक्त हैं और हम में आप में राष्ट्रभक्त है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, स्वामी जी की भी व्यस्तता है, निवेदन करूंगा कि स्वामी जी हम सबको आज के स्वतंत्रता दिवस पर अपना आशीष वचन दें। धन्यवाद। संजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम चंद्र जी, आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी भारत के नागरिकगण एवं हमारे परम सुहृद पूर्व न्यायाधीश पंडित श्री लालता प्रसाद पांडे जी एवं समस्त आचार्यगण, विप्रगण एवं वेद का अध्ययन करने वाले समस्त ब्रह्मचारीगण, आज स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन ही 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने का मतलब कि उस समय तक हमारे यहाँ की शासन सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, लंदन से बैठकर, इंग्लैंड से बैठकर यहाँ का शासन होता था और हम उनके अधीन थे। यहाँ की जनता अपने मन के अनुकूल, अपने इच्छा के अनुकूल अपने देश में स्वतंत्रता से रह नहीं सकती थी। अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं, प्रताड़नाएं दी जाती थीं। इस संघर्ष को आगे बढ़ाकर भारत राष्ट्र के राष्ट्रभक्तों ने, जिन राष्ट्रभक्तों में अनेकों नाम हैं, उन महापुरुषों ने
अपने जीवन की आहुति देकर के उत्सर्ग करके इस देश को आज़ाद कराया। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद देश को आज़ादी प्राप्त हुई और हमारा शासन हमें प्राप्त हुआ। आज हम स्वतंत्र भारत में अपने द्वारा बनाई गई शासन पद्धति के द्वारा शासित होकर अपने भारत के समस्त संसाधनों का अपनी स्वतंत्रता से अपने नियमों के अनुकूल हम उसका उपयोग और उपभोग कर पा रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस को प्रतिवर्ष मनाने का यही उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी राष्ट्रभक्ति से जुड़ें और राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम, राष्ट्र के प्रति हमारा भाव दृढ़ हो। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र किसी एक भूभाग को राष्ट्र नहीं कहते, अपितु राष्ट्र का मतलब है एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक संस्कार और एक आदर्श, जिसे हम अपने पूर्वजों की धरोहर मान करके उसकी संरक्षा करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं। इस अर्थ में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता है और राष्ट्र शब्द की परिकल्पना हमारे यहाँ वेदों में की गई। वेदों में राष्ट्र के अभ्युदय की कामना की गई। और राष्ट्र का अभ्युदय कब होगा? बोले जब राष्ट्र के सभी नागरिक सुखी होंगे, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के विद्वान, यहाँ के अध्यापक, यहाँ के सैनिक, यहाँ के शासक सभी सुव्यवस्थित होंगे, सदाचार संपन्न होंगे, तो इनके सबके समन्वय से ही राष्ट्र का अभ्युदय होगा। इस बात की प्रार्थना वेदों में की गई। आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्यः सूर इकभ्यो दिव्याधि महारथो जायतान दोग्धिर धेनुर्वोडा नर्वा नाशुः सप्तिः पुरंधुर्ज्योका जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान निकामे निकामे नः। इन मंत्रों के द्वारा राष्ट्र के अभ्युदय की कामना की गई, प्रार्थना की गई। आ ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसो, राष्ट्र के ब्राह्मण, ब्राह्मण माने बुद्धिजीवी, जो बुद्धिमान वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, वह ब्रह्मवर्चस, ब्रह्मवर्चस संपन्न हो, ज्ञान संपन्न हो, सदाचार संपन्न हो। आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यः सूर, जो राजा हैं, जो क्षत्रिय हैं, वे सूर वीर हो। हमारे यहाँ की नदियाँ सुंदर जल का प्रवाह करने वाली हों, गायें सुंदर दूध देने वाली हों, हमारी सस्य श्यामला भूमि सुंदर अन्न का समुत्पादन करे, इस प्रकार के मंगलमय राष्ट्र की कल्पना वेदों में की गई। और वह राष्ट्र मंगलमय राष्ट्र तभी होगा जब राष्ट्र की आध्यात्मिकता, राष्ट्र का संस्कार, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति धरोहर सुरक्षित रहेगी। आज हम राष्ट्र के प्रतीक के रूप में तिरंगे झंडे को फहराकर राष्ट्र के प्रतीक के रूप में हम इसका सम्मान करते हैं। ये तिरंगा झंडा क्या है? यह भी हमारी सनातन संस्कृति का एक मानबिंदु है, प्रतीक पूजा जिसे कहा जाता है। जिस प्रकार मंदिर में हम भगवान की मूर्ति स्थापित करके, धातु की, काष्ठ की, पाषाण की मूर्ति स्थापित करके, वेद मंत्रों के द्वारा उसमें तत्त्व देवताओं की प्रतिष्ठा करके हम उनकी आराधना करते हैं, प्रतीक उपासना करते हैं, उसी प्रकार से ये संपूर्ण राष्ट्र भारतवर्ष, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर पूर्वांचल तक, पूर्व भारत तक, ये संपूर्ण भारतवर्ष जो है उसकी मूर्ति की जो परिकल्पना है वो एक ध्वज के रूप में है। यह तिरंगा ध्वज भारत का प्रतीक, भारत की मूर्ति है और इसी के अंदर हम पूरे भारत की परिकल्पना करके इसका सम्मान करते हुए हम पूरे भारत के सम्मान का गौरव अनुभव करते हैं। और इस झंडे में, इस झंडे के सम्मान में हम राष्ट्र का सम्मान अनुभव करते हैं और इसकी हम वंदना करते हैं, इसे हम सलाम करते हैं, इसका सम्मान करते हैं। ये राष्ट्र ध्वज की जो परिकल्पना है, इसमें तीन रंग की जो परिकल्पना की गई, ये तीन रंग की परिकल्पना क्या है? बोले ये संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है, संपूर्ण सृष्टि का मूल है। जैसे संपूर्ण सृष्टि सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन प्रकार के गुणों से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार इस झंडे के अंदर जो लाल रंग है ये रजोगुण का प्रतीक है और सफेद जो है वो सतोगुण का प्रतीक है और हरा रंग जो है वो तमोगुण का प्रतीक है। इस प्रकार से तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है।
और सृष्टि एक काल चक्र से चलती है, सृष्टि में एक काल चक्र चलता है, इसलिए उस काल चक्र को ही इस ध्वज के मध्य में चक्र के रूप में स्थापित किया गया। और काल चक्र में हम घंटों की गणना करते हैं तो 24 घंटे का एक अहोरात्र होता है, और इस चक्र में भी 24 तीलियां इसीलिए बनाई गई हैं कि ये 24 तीलियां काल चक्र का प्रतीक है, और ये तीन रंग का ध्वज संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक सृष्टि का प्रतीक है। हम संपूर्ण सृष्टि के मंगल की कामना करते हैं, और भावनात्मक दृष्टि से हमारे राष्ट्र में जिन प्रभु श्री राम की पूजा और उपासना होती है, वे भगवान श्री राम भगवान नारायण विष्णु के अवतार हैं, और भगवान विष्णु के अवतार 24 अवतार हुए, उन 24 अवतारों का भी प्रतीक मानो इस ध्वज के मध्य में जो चक्र स्थापित है, उस चक्र के अंदर 24 तीलियां भगवान के 24 अवतार का मानो प्रतिपादन करती है। और ये चक्र क्या है? ये चक्र इस संसार को भी चक्र कहते हैं, संसार चक्र। और संसार चक्र का प्रवर्तन करने वाला कौन है? बोले संसार चक्र का प्रवर्तन करने वाले चक्री भगवान नारायण है, जो चक्र को धारण करते हैं। चक्र को धारण करने वाले परमात्मा के द्वारा ही ये संसार चक्र प्रवर्तित होता है। तो इस प्रकार से उन चक्री परमात्मा के 24 अवतारों का प्रतीक मानो इसके मध्य में चक्र के रूप में स्थापित किया गया है, जिसकी हम वंदना करते हैं और पूजा करते हैं। और इसको हम अगर अपने प्राचीन साहित्य से जोड़ करके देखें तो आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब राष्ट्र की परिभाषा महर्षि वाल्मीकि ने लिखी तो बड़ी अद्भुत बात कही है। भगवान श्री राम का जब वनवास हो रहा था, भगवान श्री राम वन की यात्रा पर जाने को तैयार थे, उस समय मां केकई ने जब अनेक कटु वचन कहे तो महर्षि वशिष्ठ जो कुल पुरोहित थे, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने केकई के कटु वचनों को सुनकर व्यथित होकर के अपने मन के भाव को व्यक्त किया, और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे केकई, क्या तुम जानती हो कि राष्ट्र किसे कहते? ऐसा कहते हुए महर्षि वशिष्ठ ने राष्ट्र की परिभाषा बताई। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व इसी अयोध्या धाम में राष्ट्र की परिभाषा बताई किसने? बोले महर्षि वशिष्ठ ने, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने राष्ट्र की परिभाषा बताई। क्या है राष्ट्र की परिभाषा? वाल्मीकि जी कहते हैं, न तद् भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वशिष्ठ जी ने कहा, वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता जिस राष्ट्र के भूपति राम नहीं होते। जब राम भूपति होंगे तभी वो राष्ट्र होगा। ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखा अयोध्या कांड में। महर्षि वशिष्ठ केकई से कहते हैं, न तद् भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद् वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्सति। वो वन ही राष्ट्र बन जाएगा, वो जंगल ही राष्ट्र बन जाएगा जहां पर राम निवास करेंगे, अर्थात जहां राम की सत्ता होती है उसी को राष्ट्र कहा जाता है। यही राष्ट्र की परिभाषा महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी के द्वारा कहलाई है। और दूसरी दृष्टि से कहां पर कहलाई? अयोध्या। अयोध्या से ही राष्ट्र की परिभाषा पूरे राष्ट्र के मानव को सीखना चाहिए, क्योंकि यहीं से राष्ट्र का प्रवर्तन हुआ। और राष्ट्र माने एक देश, एक नगर, एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक कल्चर। और उसका प्रारंभ कहां से हुआ? बोले इसी अयोध्या से हुआ। सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो अयोध्या से ही प्रारंभ हुई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा यही के राजा थे, और यही अयोध्या से संपूर्ण सृष्टि प्रारंभ हुई, यहीं से राज्य परंपरा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम अयोध्या राज्य की ही स्थापना इस पृथ्वी पर हुई। इसलिए राज्य और राष्ट्र की परिकल्पना अगर हमें करनी है तो अयोध्या के बिना और अयोध्या के संबंध के बिना और अयोध्याधिपति भगवान श्री राम के संबंध के बिना हम राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि न तद् भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम के आदर्श पर चल करके ही हम एक सच्चे राष्ट्र की स्थापना कर पाएंगे और राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हो पाएंगे और राष्ट्र की सीमाओं को हम सुरक्षित कर पाएंगे। भगवान श्री राम ने करके दिखाया, उत्तर से दक्षिण तक पैदल यात्रा करते हुए राष्ट्र में जहां जहां उपद्रव था, जहां जहां आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों का समन करके, विदेशी आक्रांताओं को, उन दुष्टों को मार करके, संहार करके, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पूरे भारत को भयमुक्त किया। यह राष्ट्र की परिभाषा महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में बताई।
आज हम अयोध्या की पावन भूमि में उन्हीं भगवान श्री राम की सन्निधि में अपने भारत राष्ट्र के गौरव के लिए, भारत राष्ट्र के सम्मान के लिए और भारत के प्रति समर्पित भाव से हम सभी लोग 15 अगस्त ये स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य नव्य दिव्य मंदिर निर्मित हो रहा है। वह मंदिर भगवान श्री राम का है, साथ साथ वो राष्ट्र का मंदिर निर्मित हो रहा है और उसे हम राष्ट्र मंदिर के रूप में अनुभव करेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम ही इस राष्ट्र के प्रतीक है। भगवान श्री राम के संबंध के बिना भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती और भगवान श्री राम की इस पावन नगरी अयोध्या से इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर चल करके ही हम सच्चे राष्ट्र भक्त बन पाएंगे और राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। और आज ऐसा पवित्र समय है, आज ऐसा मंगलमय वातावरण है, बहुत दिनों के बाद ऐसा सुंदर सुअवसर आया है कि आज भारत की सरकार और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर राष्ट्र की सर्वविध रक्षा के लिए, राष्ट्र के सर्वविध कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। अपने जीवन में स्वतंत्र कोई अभियान न रख करके, अपने जीवन के सारे सुखों का त्याग करके राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। हमें गौरव है, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे भारत राष्ट्र को ऐसे महान प्रधानमंत्री की प्राप्ति हुई, जिनके निर्देश में ये देश, जिनके मार्गदर्शन में हमारा भारत राष्ट्र सारे विश्व में विश्व गुरु बनने के लिए उत्सुक है। और उसके साथ साथ हम उत्तर प्रदेश को नहीं भूल सकते, जिस उत्तर प्रदेश में, जिस प्रांत में हम विराजमान हैं, इस प्रांत को भी बहुत दिनों बाद क्या पहली बार कोई सच्चा मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ, एक महात्मा मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ, जिस महात्मा के नेतृत्व में, जिस संत के नेतृत्व में आज पूरा उत्तर प्रदेश अमन चैन का अनुभव कर रहा है। न कहीं कोई आतंकवाद, न कहीं कोई लड़ाई, न कोई दंगा, न कोई फसाद, ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। वास्तव में ये देश संतों का देश है, ये राष्ट्र संतों का राष्ट्र है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान विज्ञान से भारतीय संस्कृति का जो संवर्धन किया है, उनके सिद्धांत और उनके विचारों के बिना हम राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से हमें उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी जी जैसा मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ, यह हमारे लिए भी बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और निश्चित रूप से मैं यह भी कहूंगा कि आने वाले समय में अनेक प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं, अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों में एक परिवर्तन यह भी होता है कि बड़े बड़े प्रांतों को विकास की दृष्टि से विचार करके, विभाजित करके छोटे छोटे प्रांत बनाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अयोध्या राज्य के रूप में एक स्थापित हो और अयोध्या राज्य, अवध राज्य एक अलग स्थापित हो, जिसकी राजधानी अयोध्या बनाई जाए और अयोध्या राजधानी बने, अयोध्या राजधानी बने, जिससे सारे संसार में ये संदेश जाए कि विश्व की प्रथम राजधानी अगर कोई थी तो अयोध्या थी। और आज भी अयोध्या एक प्रांत की राजधानी है जो भारत में है और जहाँ के राजा भगवान श्री राम हैं। तो इस प्रकार से हम अपने पुराने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, राष्ट्र के ध्वज को प्रणाम करके, राष्ट्र को प्रणाम करके, भारत माता को प्रणाम करके हम अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं और हमारे अंदर ये राष्ट्रभक्ति जागृत हो। राष्ट्रभक्ति ही भगवान की भक्ति है, क्योंकि राष्ट्र भगवान से अभिन्न है। हमारे यहाँ तो वेदों में सर्वम विष्णुमयम जगत कहा गया। हम अपने राष्ट्र के अभ्युदय की कामना करते हैं, हम अपने राष्ट्र के कल्याण की कामना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया के और लोगों के विनाश की कामना करते हैं। अन्य संस्कृतियां ऐसा करती हैं, अन्य देश के लोग अपने राष्ट्र का अभ्युदय चाहते हैं और दूसरे राष्ट्र का विनाश चाहते हैं, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा रही है, हम अपने राष्ट्र का अभ्युदय और विकास चाहते हुए और उसमें प्रयत्नशील होते हुए भी सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह भारत की परिकल्पना रही है और इसी परिकल्पना के साथ, इसी भाव के साथ आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी नागरिकों को और सभी राष्ट्रभक्तों को
भारतीय नागरिकों को हम बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, राष्ट्रध्वज का हम वंदन करते हैं और इस भारत माता को हम प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब स्वामी जी का पूजन पन्नालाल जी करेंगे, उसके पूर्व आज का नया शिष्य स्वामी जी का श्री आयुष दुबे महाराज जी के स्वतंत्रता दिवस पर माल्यार्पण करेंगे। सबसे ताजा नया शिष्य, जय हो जय हो जय हो जय। अब जजमान श्री पन्नालाल जी स्वामी जी की पूजन करेंगे। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मा वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूर इतव्यादि महारथो जायतान्दोग्धि धेनुर्वोढा नृवानाशो सप्तिः पुरन्धर्जो भाजिष्णो रथेष्ठाः सवेयो जुवास्य जजमान वीरो जायतान्निकामे निकामेना पर्जन्यो बारिखातु फलवत्यो न ओखधयः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पतां मा नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। परम पूज्य स्वामी जी के उद्बोधन से हम सब में राष्ट्रभक्ति जगी। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र क्या था, पुनः हमारा राष्ट्र क्या हो जाए, स्वामी जी की तरह मेरा राष्ट्र भी जगत गुरु हो जाए, इस कामना के साथ स्वामी जी का आशीष मिला। अब आज के इस कार्यक्रम के औपचारिक समापन किया जाए, क्योंकि आज पूरे दिन स्वामी जी बहुत व्यस्त हैं और फिर अपराह्न में कथा भी सुनानी है। अब यहाँ से गौशाला के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए अब आज के कार्यक्रम का समापन स्वामी जी से अनुमति के साथ। जय हिंद, जय भारत।